जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर द्वारा डीआरडीए हाल में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया और पंचायती राज चुनावों की तैयारियों को लेकर जानकारी दी। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि मंडी जिला की कुल 559 पंचायतों में चुनाव होंगे। वहीं बैठक में कई विषयों को लेकर भी चर्चा की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि जिला मंडी के जिला परिषद सदस्यों, पंचायत समितियों व ग्राम पंचायतों के निर्वाचन कार्यक्रम को जारी कर दिया गया है, जिसके अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन 3 चरणों में करवाए जाएंगे। आज का जो हमारा विषय है वो पंचायती राज संस्था के चुनाव उसके संदर्भ में है। जैसे कि आप जानते हैं कि 21 तारीख को स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा पंचायती राज संस्था के लिए सामान्य चुनाव है उसकी घोषणा की गई और उसमें हमारे जिले के सभी जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ के अलग अलग पदों के लिए चुनाव का ऐलान किया गया है। इसके संदर्भ में मैं ये बताना चाहूँगा कि इस साल नई पंचायतों का भी गठन हुआ है और कुछ जो पुरानी पंचायतें थी उनका पुनर्गठन भी हुआ है, कुछ विभाजन हुआ है, कुछ चेंजेस भी आए हैं। इसके पश्चात 2015 के जो पिछले चुनाव थे उसमें 469 पंचायत जिला मंडी में थी। इस एडिशन के वजह से और जो रीऑर्गेनाइजेशन है उसकी वजह से अब 90 पंचायत हमारी जिला में बढ़ गई है और टोटल पंचायत हमारी अभी 559 है, जहां पर सभी पंचायतों में अब चुनाव जो है होने जा रहे हैं। जहां मतदाता सूची की बात है तो 559 पंचायत की, क्योंकि कुछ पंचायतें ऐसी थी जिनमें कोई चेंज नहीं था तो उसकी मतदाता सूची का प्रकाशन पहले हुआ हो चुका जो कि 5 नवंबर को किया गया, जिसमें 346 पंचायत थी हमारी। फिर उसके पश्चात 186 पंचायत का जो मतदाता सूची का प्रकाशन है वो 11 दिसंबर को किया गया और अंतिम जो बची हुई पंचायत थी हमारी 27 पंचायतें थी उनका अंतिम प्रकाशन 18 तारीख को किया गया। ये प्रकाशन जब हमारा इलेक्शन के पहले रिवीजन के बाद होता है उसके पश्चात जो भी एडिशंस होती है वो जिला स्तर पे यहाँ पर इस स्तर पे की जाती है, तो कोई भी व्यक्ति इससे अगर छूटा है तो वो हमारे पास, हमने डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर को ऑथराइज किया है और उनके पास लगातार काफ़ी एप्लीकेशंस आ रही हैं। जैसे कि आपके साथ साझा पहले किया गया था 2 दिन पहले जब इलेक्शन अनाउंस हुए थे कि जब इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो जो लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन है उसके बिफोर 9 डेज के पहले हमारे पास जितनी एप्लीकेशन आती है वही एंटरटेन की जाती है। तो उसके फलस्वरूप आज 23 दिसंबर आखिरी दिन है, आज शाम तक हमारे पास जितनी एप्लीकेशन आएंगी वही हमारी मतदाता सूची में जुड़ पाएंगी। बाकी इसके पश्चात इसके बाद हम उसको फाइनलाइज करेंगे और एडिशनल सप्लीमेंट्री लिस्ट हर पंचायत के लिए, हर वार्ड के लिए बनाई जाएगी। जो अब तक जो प्रकाशित हमारी मतदाता सूची है उसमें 7,47,050 कुल मतदाता हैं, जिसमें 3,71,345 पुरुष हैं और 3,75,705 महिलाएं हैं। जैसे मैंने पहले कहा इसमें एडिशंस अभी हो रही है, जैसे ही फाइनल हमारी लिस्ट आएगी तो अपडेटेड फिगर्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे, क्योंकि ये लिस्ट स्टेट इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देशानुसार ये बनाई जाती है। ये हमारी जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिस्ट के से कोई इसका तालमेल नहीं है, ये अलग लिस्ट होती है कम्प्लीटली और इसमें अपडेशन को लेकर हर 5 साल बाद इलेक्शन इसमें होते हैं तो अपडेशन भी इसमें उस तरह से होती है, तो काफ़ी एडिशंस वगैरह भी इसमें अब हो रही है। तो अपडेटेड जो फिगर होगी वो आपके साथ इसको शेयर करेंगे। ये हमारी नॉमिनेशंस के पहले ये चीज़ फाइनल हो जाएगी। इसके बाद हमारे पूरे जिले में जिला परिषद की बात करें तो 36 वार्ड्स हैं, जैसे पहले भी थे अभी भी 36 वार्ड्स ही हैं। पंचायत समिति के हमारे 249 वार्ड्स हैं पूरे जिले में और ग्राम पंचायत का जैसे मैंने कहा 559
कुल पंचायतें। पंचायतों के स्तर की वार्ड्स की अगर हम बात करें तो 3,271 वार्ड्स हमारे पूरे जिले में होंगे। 3,271 वार्ड मेंबर्स इस इलेक्शन के में चुने जाने हैं पंचायत स्तर पे। 249 हमारे पंचायत समिति मेंबर्स और 36 जिला परिषद मेंबर्स, इतने सारे लोग जो है वो इस इलेक्शन के दौरान चुने जाने हैं। इसमें जो आरक्षण हेतु हमने रोस्टर पहले जारी किया, आप लोगों से साझा किया, उसके डिटेल्स हमने इसमें जोड़ी हुई है, ये वैसे भी आपके पास पहले से है। एक जो अभी नोटिफिकेशन हुई थी उसमें हमारी एक धर्मपुर की प्रधान की जो नोटिफिकेशन है वो चैलेंज हुई है हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट ने उसमें स्टे दिया है, उसकी सुनवाई चली है, तो जैसे उसमें जो निर्णय